हाँ रुको ना रे, भेज देंगे आज फोटो खींच करके। कभी खाएगा पहले चलिए, फोटो खींच देंगे, खुश फोटो भेज देंगे अपना। क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है भाई, काहे डरता है तुम लोग, आ जाओ पढ़ाए। अच्छा हाँ, बोले के मन भर गया उसका, देखो ना। हाँ देखो, ग्रामर का चैप्टर चालू करना है, एक क्लास में बेसिक टेंस का ओवरव्यू दे देते हैं और ग्रामर क्या कर देंगे, ग्रामर चालू है समझो, लेकिन एक टेंस का रोल है ना, क्या बहुत रोल है, तो टेंस जिसको आ गया अच्छी बात है, नहीं आए तो ओवरव्यू दे देते हैं, आता होगा बस उसी बात को रिकॉल कर देते हैं 10 मिनट में, मतलब एक क्लास में पूरा खत्म। राजा यो राजा के छतिन, या छतिन दुल्हा के, दुल्हा के दुल्हा तो जइयो, यो जइयो जइयो जाओ ना, मुस्कुराई मुस्कुराई छतिन, तो शर्माया यो पास भैया शर्माया, वो शर्माया देखो तो क्या बता रहे थे, टेंस जो सीख गया अच्छी बात है, जो नहीं सीखा बाप रे बाप उससे अच्छा बात कोई नहीं, तो सीखो भाई। देखो क्या वो टेंस बोले थे, 12 को ना, ठीक है कुछ नहीं, 12 का सिर्फ भर भी याद रखना, मेन स्ट्रक्चर बताया था ना, मेन स्ट्रक्चर क्या होता है याद है कि भूल गया सर, पहले क्या फिर क्या फिर क्या, भर में दोनों भर हो सकता है, मेन भर या इसके अलावा तो कोई होता नहीं है, कभी हेल्पिंग वर्ब के साथ कभी बिना हेल्पिंग वर्ब के, जैसे पहला वाला टेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस बिना हेल्पिंग वर्ब का V1 या V5, दूसरा सिंपल पास्ट V2 बिना हेल्पिंग वर्ब का, बाकी सबको चाहिए हेल्पिंग, वही था ना, चलो ठीक है। मेन हमको, हम आज क्लास में सिर्फ इस पे फोकस करेंगे, इससे ज्यादा पढ़ चुके पूरा छील करके, लेकिन एक क्लास में देख लेंगे 12 टेंस का स्ट्रक्चर, क्या देख लेंगे, तो ई वाला शुरू वाला स्ट्रक्चर नहीं देखेंगे, एस देखेंगे नहीं, वो भी नहीं देखेंगे, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो फिक्स है ना, खाली क्या देखेंगे, याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो कोशिश करेंगे क्लास में याद हो जाए, हो जाएगा, चलो ठीक है। पहला टेंस कौन सा था, हाँ सिंपल, नाम से क्लियर है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, कोई बता देगा इसका स्ट्रक्चर, बता दो पहले क्या होगा, सीधे भर बोलो V1 या, शुरू में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट फिक्स है, क्या है वो फिक्स है, चलो दूसरा कौन टेंस, सिंपल प्रेजेंट होगा पास्ट होगा, टेंस होगा कि नहीं बताओ, ये वर्ब का क्या मा, बहुत आसान है टेंस, बहुत आसान है, लोग ना मन नहीं लगाता है, थोड़ा सा भी मन लगाएगा ना, जैसे गड्ढा है तो कूदना पड़ेगा ना, तो सोचा ना कि नहीं टांग ऊपर करते हैं, क्या हाथ ऊपर कर लेगा, हम लोग टांग ऊपर, टांग ऊपर कर लेगा मुनि नीचा नहीं, वो करेंगे करेगा ना, कभी करेगा था टांग ऊपर करेगा था, मुनि नीचा करना ही पड़ेगा तुमको, फिक्स है वो भी फिक्स है, हाँ ऊपर ना कहीं आगे करेगा तरफ जाएगा, दूगो याद हो गया होगा, आंख बंद करके बताओ तो पाला सिंपल प्रेजेंट टेंस V1 या हेल्पिंग वर्ब है, दूसरा बोलो तो हेल्पिंग वर्ब है, कौन वर्ब है, अच्छा तीन को वर्ब खत्म नहीं हो गया, V1 और V5, लेकिन याद रखना V5 का काम अब कभी नहीं आएगा, इसके अलावा शुरू वाला में काम पड़ा ना, अब कभी भी जोत नहीं पड़ेगा किसी भी चैप्टर में नहीं, समझ में पॉइंट क्या करना चाह रहा है, मतलब इसका काम एक के बार है, तो एक बार काम हो गया कि नहीं, अब दोबारा इसका काम, V2 का काम एक के बार है, अब दोबारा इसका कोई काम, मतलब दो को भर्ब को हाथ से भूल जाना, अब क्या बात, भूलिए जाना किस किस को, V2 और, लेकिन V1 को याद रखना, V1 का बहुत काम है, जहां तहां घुसिया आ जाता है, हाँ ककरो कन्या के साथ उसका मतलब है निकल जाता है, क्या आता जाए मेला, चल हम ही चले निकल जाएगा, तीन दिन मेला है ना, वो आते रहेगा V1 देखना, तुम मेला है जन्माष्टमी घर पे, मेरे घर के सामने ही है, तो थोड़ा आएगा तुम लोग तो ये देखना V1 कहीं ना कहीं वो आते रहेगा तुमको, V5 नहीं मिलेगा तुमको, V2 का एक के बार मिलेगा, एक के बार कभी मिला तो ठीक है, दोबारा नहीं मिलेगा, लेकिन V1 वो हर एक माल में वो हमें मिल जाएगा,
कभी मंदिर में मिल जाएगा, कभी राम झूला पर, कभी श्याम झूला पर, समझ लेता है कौन झूला पर, तुमको कहीं ना कहीं देखते रहेगा, भीमन मिलते रहेगा, है कि नहीं। मन नहीं भरता बेचारा को, इसका मन कहीं चल जाओ मिल जाएगा तुमको, मौते कुआं मिल जाएगा। हाँ अरे भाई तू कहेगा भीवन, ओ तब पते पर से भीवन को कोई टेंशन, जहां देखो तहे मिल जाएगा। तो क्लास में एक दो को भीवन बैठल होगा कि वह बताओ कहां दिखाओ, होगा ही हमको क्या बता, खोजो। चलो पॉइंट समझा ना क्या कहना चाह रहे हम, कि मतलब तुमको इसका रोल है बार बार, इसका रोल इक्के बार, एक बार कर लिए कि नहीं कर लिए, कौन टेंस में, अब इसका रोल इक्के बार, बाकी रोल भी वन का, कौन बच गया बता दो, भी वन भी थ्री और भी फोर, भी फोर ना, भी वन भी थ्री भी फोर, उस सबका रोल है थोड़ा ज्यादा रोल, जैसे पूरा वॉइस में भी थ्री रहा रही जब ये दिखेगा भी फोर, अभी वन तो जहां तहां घुस जाते रहेगा, कभी सेलविल के साथ, कभी कैन के साथ, पूरा मॉडल्स के साथ नहीं घुसाते रहता है, इजमार के साथ टू टू प्लस भी वन घुस जाता है, हैज टू हैज टू प्लस भी वन हो जाता है, पड़ता पड़ती वाला में हैज अब हेड के साथ टू प्लस भी वन, भी सिक्स भी तो है। चलो बता सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट, तीसरा सिंपल डैश दे देना, डैश का मतलब सिंपल, उतना कौन लिखेगा, हाँ टेंस तो होगा ही। चलो बताओ अगला क्या है, ये क्या है फ्यूचर वाला, हाँ अगले अकेले के हेल्पिंग वर्ब के साथ, हाँ सेल विल प्लस वर्ब का क्या मान, देखो फिर आ गया रनवे में मेला में घूम यार, घूम रहा है नहीं घूम रहा है, जलेबी दुकान पे चाप रहा है जलेबी भांग वाला, धर्मा जाएगा कहीं देर के बाद, पर रनवे घूमता ना धर्मा, इन्हीं से गया वो, हाँ तो धर्मा अपने रनवे घूम लेगा, तब चल जाएगा धर्मा बोलेगा धर्मो चाप देते हैं, जाएगा हुआ तीन चार जलेबी चाप देगा, ठीक है आ जाओ चौथा, फिर आ जाओ कौन टेंस होगा अब, पर दूसरा क्यों रहा रही वाला ना, रहा वाला क्या बोलते कंटिन्यूस ना, तो पहले प्रेजेंट लिख देते हैं ना, हाँ कॉन्टी टेंस तो फिक्स है ना, हटाना कौन लिखता है कर देते थे, बताओ इसका कैसे बनेगा, हेल्पिंग वर्ब के साथ ना इज एम और आर, प्लस वर्ब का क्या वहां नहीं याद हो रहा है, याद है चारों टेंस का याद हो गया, सब में शुरू में क्या सब्जेक्ट, लास्ट में क्या पचमा बोलो, प्रेजेंट की पास्ट हो जाएगा, हाँ इस तीन को करते रहना, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, प्रेजेंट पास्ट, बस इसी पे टिकल है, पास्ट है कंटिन्यूअस होगा ही टेंस होगा ही, बताओ वर्ब कौन सा होगा, सर प्रेजेंट में इजमार लगा है, इजमार का पास्ट बता दो, अच्छा कोई भी वन भी फाइव का पास्ट पूछे तो भी टू, भी वन भी फाइव का पास्ट पूछे तो भी वन भी फाइव का फ्यूचर पूछे तो शैल विल प्लस भी वन, लेना हो गया आ जाओ, इजमार का पास्ट पूछे तो बीफोर, महिला को देखो वो पुरुष है कुछ बोल देता है, बोल दिया बीफोर, हाँ यो बात का है भाई, उसे पता नहीं होगा सीता के छथिन, महाभारत में खोज रहा होगा सीता को, पूरा महाभारत खत्म सीता नजर नहीं आई, महाभारत में सीता नजर आएगी कैसे ने देखा था मायानी रे, जो बोलता है ना देखा तो होगा ही, तुम मशीन आता है ना झूठ बोलने वाला, मशीन पकड़ने वाला सताना पड़ेगा इसमें, पता चल जाएगा लाई डिटेक्टर मशीन आता है पता चल जाएगा कि तुम देखा है कि नहीं देखा, आ जाओ तीसरा कौन सा हो जाएगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, देखो नाम भी याद हो जाता है हल्का फुल्का, कॉमन सेंस लगाएगा कॉमन सेंस हल्का फुल्का, तो नाम भी तुमको याद कहीं सिंपल से जुड़ल है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर कंटिन्यूअस से जुड़ल है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, तो बताओ फ्यूचर का बात है तो ये दोनों आएगा कि नहीं आएगा, वो आएगा ही बाकी जो आए लेकिन ये दोनों आएगा। चलो तो पहले क्या करेंगे सेल या, अब कंटिन्यूअस का मतलब वर्ब का क्या मा चौथा ना, लेकिन सेल मिल के साथ आता वर्ब का क्या मा है, तो यहां पर पहले कोई ऐसा पहला दीजिए जो चौथा लेता हो, समझाया भर्ब का क्या मत है देव, बहुत आसान है टेंस, नहीं आसान लग रहा है कुछ नहीं, उसके बाद बोलो हो गया छह को टेंस खत्म, सतमा बोलो परफेक्ट वाला ना, तो बस प्रेजेंट तो होगा ही परफेक्ट
और क्या कर दे टेंस ना, बताओ परफेक्ट का मतलब याद करो, बताए थे तीन गो फिक्स है फिर, जैसे फ्यूचर के लिए शैल विल होता है, परफेक्ट के लिए क्या होगा हैज हैव और हैड, तो पहला वाला में सिर्फ हैज हैव हैज या हैव, याद करो हैज हैव वर्ब का फिक्स है, जो शैल विल वर्ब का क्या मान लेता हैज हैव वर्ब का क्या मान लेगा, हो गया खत्म फिक्स है, हाँ कहीं को चेंजेज नहीं होगा। चलो अब बताओ आठवा पास्ट कर दे, पास्ट परफेक्ट टेंस। अच्छा बता हैज हैव का, जैसे इज एम आर का पास्ट वाज हुए, बी वन बी फाइव का पास्ट बी टू, तो हैज हैव का पास्ट हैज, अब वर्ब का क्या मान लेता है वो तीनों ना, तीन को बंदर है, क्लियर है, या तो तीसरा या तो छठा, हैज हैव हैड क्या मान ले सकता, या तो तीसरा या तो हाँ। चलो एक और बच गया नौमा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस बता जरा, फ्यूचर है, जब ये फ्यूचर है तो सेल विल आएगा कि नहीं आएगा, हाँ। कहीं भी अगर गलती से भी कोई फ्यूचर बोला तो माइंड में क्लिक कर जाना चाहिए सर सेल विल तो आएगा ही, बाकी कोई आए या नहीं आए। चलो मतलब कोई भी पूजा होगा गणेश जी का नाम लेना पड़ेगा सबसे पहले, और बाद स्टार्ट वही होता है, हाँ कोई पूजा स्टार्ट करो सबसे पहले गणेश जी का नाम लेना पड़ता है कि नहीं पड़ता, बस गणेश जी है समझो, फ्यूचर में पहले क्या लिखेंगे सेल या विल, प्लस वर्ब का क्या मान, फ्यूचर परफेक्ट करा ना, हैज हैव हैड में से एगो परफेक्ट कब होगा, देखो फ्यूचर सेल भी लिखे तो क्या हुआ, अब तुमको क्या करना है तो परफेक्ट करने के लिए ये तीनों में से एगो सेल विल के साथ एक एक हैव ना आता है, अब हैव वर्ब का क्या मान लेता है तीसरा, खत्म हो जाएगा। चलो अब तीन को और बच गया तुम्हारा टेंस खत्म, दसवां बताओ अब होगा, देखो अब मिक्सचर है, मिक्सचर है ना किसका परफेक्ट का, बस हो गया, तो पहला क्या हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट और कंटीन्यूअस बताओ, तो मिक्स है तो मिक्स करना भी पड़ेगा, आ जाओ पहले क्या करेंगे प्रेजेंट है, हैज या हैव ना, प्रेजेंट परफेक्ट है जब आएगा कि नहीं, ये वाला तो होगा ही हैज या हैव, उसके बाद बताओ इसमें टाइम आ जाता है ना, इसमें क्या आ जाता है कंटिन्यूअस है तो रहा रही मिलाना है ना, बिफोर भी तो लगना है, देखो कंटिन्यूअस लिखा है ना हैज हैव लाया तो क्या हुआ परफेक्ट, अब प्रेजेंट भी हो गया ना हैज या प्रेजेंट का हैज या परफेक्ट का है ना, ठीक है उसके बाद कंटिन्यूअस के लिए क्या चाहिए बिफोर, तो हैज हैव चौथा लेता है नहीं नहीं लेता है, तो लेता क्या मा है तीसरा, तो ऐसा तीसरा दीजिए जो चौथा लेता हो बीन, ठीक है बीन हो गया ना, अब दे दो तुम क्या मा बिफोर हो गया क्लियर है, इसमें कुछ और कंडीशन है ना, क्या सब आता है दू का और आता है हाँ टाइम के लिए फोर या सीन्स प्लस टाइम, याद रखना हो गया इतना तो आएगा ही, इसके बाद है ऑब्जेक्ट आएगा, तो इसी को अदर वर्ड्स बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते है कि नहीं, अदर वर्ड्स जब ये प्रीपोजिशन के साथ ऑब्जेक्ट आ जाता है तो क्या हो जाता है, ठीक है दस को याद हो गया होगा, ग्यारह प्रेजेंट होगा कि पास्ट हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है चलो बताओ यहां पे भी टेंस रहेगा, हाँ बता क्या होगा हैज आपका पास्ट कर दो खाली कुछ नहीं होगा, देखो हैज आपका पास्ट करो क्या हो जाएगा हैज, उसके बाद बाकी सब सब हो सेम होगा, आसान नहीं है बाकी सब सेम, और किसी को इतना बात बताया कि हैज आपका पास्ट हैड होता है तो इसको ई वाला स्ट्रक्चर याद है ई वाला भी याद हो जाएगा, अब कोई टेंस का स्ट्रक्चर सब पूछेगा तो नहीं बोल देगा, एक को बोलेगा कि पूछे एक को बोल देना बार हो कहेगा गधे है छोड़ा पूछे तो एक बिना बात करना दस मिनट बर्बाद कर दिया, नहीं बैठा के कोई पूछ दे बता सिंपल प्रेजेंट स्ट्रक्चर तो तुम समझ फंस गया, वो सोचेगा तुम फंस गया और तुम माने में सोचा आप तो तुम फंस गया, बैठा के बारहो बोलना एगो मत जाने देना बांध देना सीधे सीधे करके कहना बारहो सुनिए चुपचाप, चाहे चाहे चढ़ा देना कम ताव पे जरा ताव पे कम ताव पे चढ़ा देना, जब तक चाय बनेगा पूरा कंप्लीट होगा तब तक पूरा सुना देगा, चाय छान करके उनको पिलाएगा खुद पी जाएगा, मेहनत कौन किया है चाय उनको पिलाएंगे, हाँ जो मेहनत करेगा उनको चाय पिलाना, तो तुम ना भाई बका है बस चाप देगा वह कहेगा बा गजब
पूछे थे एगो, सुना दिया बारहो, हमको लगा चाय पिलाएगा, चाप दिया, ठीक है ना। चलो एक बार बच गया लास्ट, क्या वा नंबर 12। पास्ट परफेक्ट है तो क्या हो जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ना, क्लियर है। फ्यूचर करने के लिए क्या होगा, शैल या विल, उसके बाद क्या, ये वाला हैव होगा ना, देखो हाँ, उसके बाद बीन, उसके बाद भारत का क्या मां, और उसके बाद फोर या सिंस प्लस टाइम, वही ना होगा जी, फोर या सिंस प्लस क्या होगा, एकदम क्लियर है। बारहो टेंस आ गया, ये वो गलती है, वर्मा नहीं गलती है, फ्यूचर में सिंस आता है कि फ्रॉम आ जाता है, तो याद रखेंगे गलती सबसे होता है, है? लगता है गधा बेस्ती कर दिया, ये तो भाई बुझ जाएगा कि लोग सब, मास्टर को नहीं आता है, लगता है बेस्ती कर रहा है। देखो गलती डायलॉग नहीं था, ये तो कुछ बोल दिया, डायलॉग मेरा कुछ आता, मेन डायलॉग बोले नहीं दिया आपको, देखो डायलॉग था गलती सबसे होता है, बेटी से भी और पुतों से भी, गलती बोला है, बेटी का छुप जाता है, पुतों का छप जाता है, ये ना बेटा क्लियर है ना, छाप लो अच्छे से, बारह टेंस बोल दिए, आ जाओ, बारह टेंस याद हो गया ना, तो बारह को एग्जांपल भी दे देते हैं, देखो किसका एग्जांपल है, कुछ लिख लेगा तुम, बता सिंपल प्रेजेंट एक एग्जांपल बोलो, सिंपल लेना है, अंग्रेजी बोलना पर लेना है, किस पे लेना है, अंग्रेजी बोलना, भर बता दिए, भर कैसा सेट करना है, अंग्रेजी बोलना, जैसे पहला हो जाएगा मैं अंग्रेजी बोलता हूं, पहले देखो आंसर बात की बात है, इसका एग्जांपल मैं अंग्रेजी बोलता हूं, इसका मैं अंग्रेजी बोलता था, इसमें हूं इसका था, अब मैं अंग्रेजी बोलूंगा, मैं अंग्रेजी बोल रहा हूं, मैं अंग्रेजी बोल रहा था, मैं अंग्रेजी बोलता रहूंगा, मैं अंग्रेजी बोल चुका हूं, मैं अंग्रेजी बोल चुका था, मैं अंग्रेजी बोल चुकूंगा, चुकुंदर मत समझ लेना, ठीक है ना, हाँ आ जाओ, उसके बाद टाइम लगा दो, मैं सुबह से अंग्रेजी बोल रहा हूं, मैं सुबह से अंग्रेजी बोल रहा था, अब मैं सुबह से अंग्रेजी बोलता रहूंगा, नहीं हो गया सेट, जैसे और चेंज करते हैं, मैं पढ़ाता हूं इसमें बोलो, मैं पढ़ाता था इसमें बोलो, मैं पढ़ाऊंगा, पढ़ाता रहूंगा नहीं, रहूंगा तो रहा रही आ गया ना, तो रहा रही इसमें, मैं पढ़ाऊंगा, और बताओ मैं पढ़ा रहा हूं, इसका बताओ, इसका बताओ, इसका बताओ, मैं पढ़ा चुका हूं, मैं पढ़ा चुका था, मैं पढ़ा चुकूंगा, अब इसमें आ जाओ, मैं सुबह से पढ़ा रहा हूं, मैं सुबह से था, अब मैं सुबह से पढ़ा था, अब बताओ, एक लाख एग्जांपल नहीं खुद से बना लेगा, और कोई एक बात बोलेगा तुम बारह बात बोलना उसको, गरिया मत देना, काफी बोले बारह को बात करने के लिए, बात करने के लिए नहीं बोले है, बात बनाने के लिए कहा है, नहीं बना लेगा, बोलते मिलेगा, जैसे बताओ मैं खेलूंगा, सही है गलती है, मैं खेलूंगा होगा, मैं खेलूंगा किसमें जाएगा, ब्याह 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 ना, हाँ उधर ब्याह ही चलता है भाई, फेमस है, बोलेगा जैसे तुम पूछेगा कहाँ, तो वहां नहीं बोलेगा ब्याह, दिखता है ना ब्याह, भैया कहाँ है ब्याह, अभी चलता इठावा चपरे उधर यही चलता है, चलो पोलाइटली भाषा मतलब प्यार से बोलता है, याद हो जाता है ना, बताओ मैं क्रिकेट खेल रहा था, क्या नंबर, मैं क्रिकेट खेल रहा था, कौन टेंस नहीं ना, मैं क्रिकेट खेलता था, सिंपल पास, हाँ मैं सुबह से खेल रहा हूं, प्रेजेंट परफेक्ट, हाँ उसके बाद मैं तुम्हें देख लूंगा, फ्यूचर सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर का बात करेगा तो तीन को फ्यूचर है, तीन को फ्यूचर है क्या, चार को फ्यूचर है, क्या वो फ्यूचर है, एक दो तीन
सही में देखो तो चार को फ्यूचर है, चार को प्रेजेंट है, चार को पास्ट है। हाँ, उसके अंदर भी बताना है थोड़ा सा। चलो हो जाएगा ना, अब कैच कर ले, पकड़ लेगा ना, टेंस वगैरह पकड़ने के लिए बोलेंगे तो ठीक है। तो हम कुछ क्वेश्चन बोलते हैं लास्ट, उसको तुमको दो काम करना है, टेंस भी लिखना है और बनाना भी है। हो जाएगा ना, मैं अंग्रेजी बोलता हूं, मैं अंग्रेजी बोलता हूं, टेंस भी लिखना है। वो अंग्रेजी बोल रही है, वह क्रिकेट खेल रहा था, सर साढ़े सात बजे से पढ़ा रहे हैं, सर साढ़े सात बजे से पढ़ा रहे हैं। विनोद सुन रहा है, विनोद सुन रहा है, सुन रहा है ना विनोद, लिसन का मतलब सुनना, तो लिसन में आईएनजी लग जाएगा, लिसनिंग नहीं हो जाएगा, आईएनजी लगाना आसान है। सुन रहा, विनोद सुन रहा है, हम लोग टेंस पढ़ रहे हैं। चुका चुकी को लिया ली भी बोल सकते, पता है ना, मैं पढ़ चुका हूं या मैंने पढ़ लिया है, एक के बात है। लिखो, हम लोग टेंस पढ़ लिए हैं, हम लोग टेंस पढ़ लिए हैं, हाँ चुका चुकी में ही बनेगा, वही है, उसी का है, हम लोग टेंस पढ़ लिए हैं। उसके बाद वह मुझसे बात कर रहा है, वह मुझसे बात कर रहा है, कितना हुआ, सात, आठ, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन लो, 2022 का पूछा हुआ क्वेश्चन दे, बना के लाएगा, पिछले साल का आठ को क्वेश्चन पूछा होगा ना, अब देखते हैं कि हम जो पढ़ा है उसमें से है कि नहीं, अगर उसमें से है तो हम जो पढ़ा है ठीक जा रहा है, तुम रास्ता ठीक है, अगर उसमें से नहीं है तो रास्ता तो मंजिल भी गलत पकड़ा जाएगा। चलो 2022 का लिखना, हेडलाइन से लिख देना, 2022 का क्वेश्चन बोलते हैं, पूछा हुआ, बोले देखो, अभी बाहर मत निकाल, अभी बाहर मत निकलो, अभी बाहर मत निकलो, आठ को पूछा होगा ना। चलो दूसरा, छात्रों को क्यों पीटा गया, छात्रों को क्यों पीटा गया, पहला इंपरेटिव का था, दूसरा वॉइस का है, तीसरा रीता अपना काम पूरा कर चुकी है, रीता अपना काम पूरा कर चुकी है, बताओ चुका चुकी है ये, कौन टेंस, चुका चुकी है, प्रेजेंट परफेक्ट, हाँ, मैं स्नान करने ही वाला हूं, मैं स्नान करने ही वाला हूं, मैं स्नान करने ही वाला हूं, वाला वाली वाला है, वाला वाली में दो को वाला वाली है, एगो इजामार के बाद टू, एगो अबाउट टू, जब ही लग जाता है तब। अगला, रमेश पुस्तक लेकर कब आएगा, किसका है बताओ, रमेश पुस्तक लेकर कब आएगा, रमेश पुस्तक लेकर कब आएगा, है सिंपल फ्यूचर, इसका छ भाई, सबका छ को बनेगा ना, इसका डब्ल्यू एच फैमिली है, मैं खेलूंगा, मैं कब खेलूंगा, रमेश खेलेगा, रमेश कब आएगा, रमेश आएगा, रमेश कब आएगा, इसका नहीं होगा, डब्ल्यू एच फैमिली भाई, एक का छ को बनता है ना, तो ये बारह को है तो बारह को छ से मल्टीप्लाई करो ना भाई, तो टोटल 72 को बनेगा ना, तो बाकी तो सिखा चुके हैं हम, मेन स्ट्रक्चर सिखा दिए, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दो तो हो जाएगा नेगेटिव, हेल्पिंग वर्ब को शुरू में कर दो तो क्वेश्चन,
उसे हेल्पिंग वर्ब शुरू में आया, हेल्पिंग वर्ब से पहले कर दो डब्ल्यू एच फैमिली, तो डब्ल्यू एच फैमिली कब हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। चलो ठीक है, क्या लिखा है, क्या क्या लिखा है? रमेश पुस्तक लेकर कब आएगा? हाँ, वह अपने मित्रों के साथ मैदान में खेल रहा है। मित्रों मतलब दोस्त। वह अपने मित्रों के साथ मैदान में खेल रहा है, बताओ किसका है? वो अपने मित्रों के साथ मैदान में खेल रहा है, लास्ट में देखो ना, रहा रही सब इस सब कैच कर भाई। वो अपने मित्रों के साथ मैदान में खेल रहा है, किसका हो जाएगा? नहीं होगा प्रेजेंट। अगला, तुम्हें अब घर जाना चाहिए, ये किसका है? चाहिए चाहिए सुड मॉडल्स। हाँ, तुम्हें अब घर जाना चाहिए। अगला, आप लोग पटना कब आइएगा? कहाँ आएंगे? कना कहियो ने, इंतजार करते रहिए। आप लोग पटना कब आइएगा? यही आठ को क्वेश्चन था 2022 का। आप लोग पटना कब आइएगा? तो देखो, देखो और दिक्कत हो रहा पकड़ने में, तो इसके लास्ट में क्या होगा भाई? ता होगा कि नहीं? मैं खेलता हूं ता ते ती होगा कि नहीं? और साथ में हो वाला ना, कैसा वाला? ता है ती है ते है, यही चलना होगा। अच्छा, इस वाला में ता था ते थे, यही ना, और ती थी, यही ना होगा। तो इसी से पकड़ लेते ना ज्यादातर, हम लोग को भी दिक्कत होता है ना, तो इसी से पकड़ते हैं। जैसे हम बोले वह खेलता है, वह खेलता था, नहीं आ रहा है, इसमें क्या हो जाएगा? गा गी गे, नहीं हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा बताओ? रहा है और रही है और रहे हैं, हो जाएगा तुम लोग का भाई? कल मैंने अपना दिमाग लगाना है, छील के तो पूरा पढ़ा दिया ना, बताओ इसका? उसी में करते रहो, तीनों सेम होगा, रहा था रही थी और रहे थे। टेंस बहुत आसान है भाई, तिथि से भी आसान है। तिथि ने पूछा, और महिला लोग खेलती है ना, तिथि ने एक पांव ऊपर आता है पांव नीचे, ऐसे करके नहीं खेलता है, गजब वाले। तिथि थे भी क्या है तुमको? आसान, इसे हार्ड है तिथि, तो तिथि खेलेगा कि उसे आसान काम करेंगे? आसान काम करेंगे ना। चलो, इसमें क्या हो जाएगा? रहेगा और रहेगी और रहेंगे, नहीं हो जाएगा इसमें? चुका है और चुकी है ना, और चुके हैं, क्या चीज? उसके बाद इसको ऐसे भी बोल सकते, या है, नहीं होता, ये है, ये है, इसी का है ना, जो हम लोग खा चुके हैं, हम लोग खा लिए हैं, इसी का है, हो जाएगा ना। एग्जाम्पल से देखना ना, माइक कर लेगा, समय कर लेना, इसमें हो जाएगा चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ई थी, ये थे, उसके बाद चुकेंगे, चुकेगा, हो जाएगा ना, कर लेगा ना। टेंस का चैप्टर अच्छे से बनाते रहेगा अपना, खत्म तो हुआ नहीं होगा।